शिक्षकगण और साथ ही छात्र और छात्रा, आप सभी का हिंदी विभाग हार्दिक रूप से अभिनंदन करता है। किसी शायर ने बेहतर ही कहा है, आपके कदमों का फैज हो शायद इसके पहले ये घर रोशन कब था। तो इसके साथ ही मैं बात की शुरुआत करना चाहूंगा और कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में मैं सर्वप्रथम अपने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि वह उठें और प्रेम दीप प्रज्वलित कर साथ ही पुष्प अर्पित। जाने के इतने साल बाद भी
इन सभी प्रश्नों को देखते हुए हमें यह लगता है कि प्रेमचंद अभी भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने की आवश्यकता है। अब आगे के कार्यक्रम के लिए आशीष जी को तमाम पे बारे में बताया, ये किसका नाम आया तमाम पे बारे में बताया, ये किसका नाम आया फिर मेरे नूतन ने बोलते मेरी तमाम जब भी प्रेम संत का नाम लिया जाता है या कोई मजबूत के नाम से मना की जाती है तो मैं उनका इतना बड़ा मुस्तफी वहाँ पहुंची है, चाहे मुझे दूसरों के सामने बैठने का क्योंकि उस शख्स के नाम से नहीं मिला। दुनिया में बहुत बड़े बड़े मसले पैदा हुए, खासतौर पर 20वीं सदी में 1857 के बाद जो हमारे माशरे उसमें बहुत से मुसलमान मसले भी पैदा हुए, मौलाना हाली शिर सर सैद अहमद नाम। लेकिन मेरा अकीदा है इस्लाह का जो फरीदा प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के जरिए अंजाम दिया वो किसी मुस्लिम ने अंजाम दिया। हमारे खून में रगों में खून की तरह है दोस्तों, इसको साबित करने उन्होंने कहा था कि